अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। कर्नाटक के मेंगलुरु में पिकनिक मनाने पहुंचे तलबा में से एक समंदरी मोजों में हुआ लापता। दोस्तों की कोशिश के बावजूद नहीं बचाई जा सकी जान। बेनम्बूर बीच पर पेशा हादसा। कुंदापुर में कुएं की दीवार पर बैठकर गेम खेलना पड़ा महंगा। 21 साल नौजवान की अचानक कुएं में गिरने से हुई मौत। 36 साल के मामले में घिरे एमजे अकबर गैर मुल्की दौरे से लौटे वापस, कहा इल्जाम पर बाद में जारी करेंगे बयान। 36 साल के खिलाफ मीटू मुहिम ने पकड़ा जोर। मुल्क की मारूफ खवातीन सहाफियों ने दिल्ली में प्ले कार्ड लेकर किया एहतजाज। जिनसी इल्जाम पर फौरी कार्रवाई का क्या मुतालबा। राफेल डील को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर सीधा निशाना, कहा राफेल डील के लिए पीएम मोदी ही जिम्मेदार। मामले को कवर अप करने वजीर दिफा ने किया है फ्रांस दौरा। गुरुग्राम में जाती महाफिज के हाथों जख्मी जज की बीवी के अस्पताल में हुई मौत। बेटे की हालत नाजुक, कल गार्ड ने जज की बीवी और बेटे पर चलाई थी अंधाधुन गोलियां। खबरों के मुताबिक जज की बीवी और बेटा तब्दील मजहब की बुनियाद पर कर रहे थे परेशान। गार्ड मापाल ने 8 माह कबल हिंदू मजहब छोड़कर अपनाया था ईसाई मजहब। पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर से की सीज फायर की खिलाफ वर्जी। हिंदुस्तानी फौजियों की चौकियों और रिहायश गाह को बनाया निशाना। हिंदुस्तानी अफवाज ने भी दिया माकूल जवाब। रायबरेली में दर्दनाक हादसा, पिकअप वैन और प्राइवेट बस के तसादुम में 7 लोगों की गई जान। 35 अफराद हुए जख्मी। सीएम योगी ने मरने वालों के लिए 2-2 लाख और जख्मियों के लिए 50,000 मुआवजे का किया ऐलान। बिहार के दरभंगा में 1.5 लाख लूट कर फरार होने की कोशिश के दौरान भीड़ के हाथ लगा चोर। कानून हाथ में लेकर भीड़ ने लाठी डंडों से चोर को मार मार कर किया अधमरा। पुलिस ने जैसे तैसे भीड़ से बचाई जान। राम मंदिर को लेकर शिवसेना का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी को राम मंदिर में नहीं है दिलचस्पी, कहा सिर्फ वोट बटोरने के लिए बीजेपी राम मंदिर का ले रही है सहारा। राम मंदिर को लेकर साधु संत अब पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। महंत परमहंस दास ने सीएम योगी के साथ पीएम मोदी से मुलाकात का मांगा वक्त, कहा लोकसभा इंतखाबात से कबल नहीं बना मंदिर तो दे देंगे जान। यूपी के प्रतापगढ़ में 9 साल बच्ची बनी हैवानियत का शिकार। घर में अकेली लड़की देख पड़ोसी ने बनाया हैवानियत का शिकार। पुलिस कर रही है मुलजिम की तलाश। पाकिस्तान के हिंदुस्तान को गीदड़ भपकी, पाकिस्तानी मेजर की धमकी, कहा हिंदुस्तान के एक सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में करेंगे 10 सर्जिकल स्ट्राइक। धमकी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा हम तो कब की कर चुके हैं स्ट्राइक, दम है तो करके दिखाए। बोले सड़क चाप गुंडों की तरह बात कर रहा है पाकिस्तान। राजस्थान में पिकनिक के लिए जा रही स्कूली तलबा की कार हादसे का शिकार। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 3 तलबा समेत 8 अफराद की मौत। काफी अरसे से बीमार चल रहे गवाह वजीर आला मनोहर पारेकर की तबीयत में नहीं आ रहा सुधार। एम्स से डिस्चार्ज के बाद लाया गया गवाह, घर में होगी देखभाल। तेल के दामों में लगी आग, बुझने का नहीं ले रही नाम। आज दिल्ली में पेट्रोल 6 पैसे हुआ महंगा, डीजल की कीमतों में 19 पैसे का इजाफा। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइड से तबाही का सिलसिला जारी। सूबे समाणा में स्कूल पर मिट्टी का तोदा गिरने से 12 तलबा समेत 27 अफराद हलाक। सऊदी सहाफी की गुमशुदगी मामले पर अमेरिका की सऊदी हुकूमत को धमकी, कहा अगर सऊदी हुकूमत कत्ल में मुलव्वस हुई तो देंगे सख्त सजा। सऊदी हुकूमत ने सहाफी की गुमशुदगी में मुलव्वस होने की तरदीद थी। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे।